الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد قال الشيخ जी बारकल्लाहु फीकुम। सऊद बेटे ने खुतबाए हाजा पढ़कर अपनी इबारत का आगाज़ किया। तो आज का हमारा जो मौजू है वो मारिफतुद्दीन इस्लाम बिल अदिल्ला फ़ाकुल वबिल्लाहि तौफीक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीन मुहम्मद वाल आलिही वसहबिही अजमाइन अम्मा बाद। قال المصنف رحمه الله تعالى معرفة دين الإسلام بالأدلة। तो आज के लेक्चर का हमारा मौजू भी यही है कि दीन इस्लाम की पहचान, दीन इस्लाम को जानना, उसके बारे में इल्म हासिल करना। लेकिन कैसे इल्म हासिल करने, क्या दीन इस्लाम मेरी और आपकी ख्वाहिशात का नाम है, क्या वो मेरी और आपकी पसंद या नापसंद का नाम है। मेरी और आपकी पसंद नापसंद मुख्तलिफ भी हो सकती है, मेरी और आपकी ख्वाहिशात के अंदर चाहत के अंदर फ़र्क भी हो सकता है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगे आपको ना लगे, इस वजह से जो मेयार मुकरर किया गया दीन इस्लाम के इल्म में वो बिल अदिल्ला, वो दलाइल हैं। दीन इस्लाम वो है जो कुरान मजीद में मज़कूर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मज़कूर है। तो जो दलाइल के अंदर मज़कूर है उसका नाम है दीन इस्लाम, उसका नाम है दीन इस्लाम। तो आपके इल्म में है कि इस किताब के अंदर हमारे तीन बुनियादी टॉपिक हैं, अल्लाह की मारिफत, दीन इस्लाम की मारिफत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि मौजू है दीन इस्लाम की मारिफत, दीन इस्लाम की पहचान, इसके बारे में इल्म हासिल करना। और इंशाल्लाह आने वाला जो आखिरी लेक्चर है इस किताब का वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत के बारे में होगा। तो देखिए दीन इस्लाम की तारीफ क्या बतला दी कि वहुवल इस्तिस्लामु लिल्लाहि बित्तौहीद। ये दीन इस्लाम की तारीफ है, ये जो पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है वहुवल इस्तिस्लामु लिल्लाहि बित्तौहीद वल इन्कियादु लहु बित्ता वल बराअतु मिन अश-शिर्क व अहलिही। मतलब तारीफ के अंदर तीन चीज़ों को जिक्र कर दिया, अल इस्तिस्लामु लिल्लाहि बित्तौहीद, अल्लाह के लिए तौहीद के साथ झुक जाने का नाम, मतलब एक अकेले अल्लाह के आगे झुक जाने का नाम ये इस्लाम है। इस्तिस्लाम का मतलब क्या है, सरे तस्लीम खम करना, अपने सर को झुका देना। नंबर दो वल इनकियादु लहू बित्ता, इताद के अंदर उसकी तरफ मेलान, उसकी तरफ पलटने का नाम ये क्या है, दीन इस्लाम। और नंबर तीन वल बराअतु मिन अश-शिर्क व अहलिही, शिर्क और मुशरिकीन, यानी अहलु शिर्क कौन है, वो मुशरिकीन है, शिर्क व अहलिही, शिर्क से और मुशरिकीन से बरात का नाम, बोलिए ये क्या है, दीन इस्लाम। तो दीन इस्लाम की तारीफ के अंदर उन्होंने तीन चीजें बतला दी, सबसे पहले तौहीद के अकीदे के साथ अल्लाह के आगे झुक जाना, उस अल्लाह को एक अकेला मानते हुए उस अल्लाह के आगे झुक जाना। नंबर दो उसकी इताअत करते हुए उसी की तरफ पलटना, उसी की तरफ रुजू करना। और नंबर तीन सिर्फ ये नहीं बल्कि शिर्क और मुशरिकीन से बरात, ये बहुत ज़रूरी है जिसकी तफसील आगे आ रही है। फिर मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह कहते हैं वहू असलासु मरातिबा, और उसके तीन मरतबे हैं। ये जो दीन इस्लाम है इसके कितने मरातिब हैं, इसके कितने स्टेप्स हैं, इसके तीन मरतबे हैं। सबसे पहला अल इस्लाम, पहले मरतबे का नाम है इस्लाम। नंबर दो वल ईमान, और नंबर तीन वल एहसान। पहले मरतबे का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम ईमान और तीसरे का नाम एहसान। फिर कहते हैं व कुल्लु मरतबतिन लहा अरकान, और हर मरतबे के फिर आगे कई एक अरकान हैं। अरकान रुकन की जमा है, पिलर्स के माना में इस्तेमाल होता है। अरकान रुकन की जमा मतलब पिलर्स के माना में इस्लाम इस्तेमाल होता है। तो दीन इस्लाम के तीन मरतबे बता दिए गए, कौन कौन से, इस्लाम ईमान एहसान। और फिर बता दिया गया कि जो हर मरतबा है उसके आगे क्या है, अरकान।
मतलब दीन इस्लाम है तो उसके भी अरकान, ईमान है तो उसके भी अरकान, और एहसान है तो उसका एक रुकन है जिसकी तफसील आगे आ रही है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आज के लेक्चर का आपका टॉपिक इस्लाम, ईमान और एहसान की पहचान है, इस्लाम, ईमान और एहसान की पहचान, इनके बारे में इल्म हासिल करना, इनके बारे में जानना, ये आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहला जो मर्तबा है वो है अल इस्लाम। तो पहले हम इबारत को सुन लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इसका तर्जमा और तशरीह करते हैं। जी बारकल्लाहु फीकुम व अहसनल्लाहु इलैकुम। माशाल्लाह ये थे हाफिज़ सऊद अश्शुरेम जो कि हमें इस किताब की इबारत सुनाते हैं। माशाल्लाह बेटा बारकल्लाहु फीकुम। तो मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह कहते हैं अल मर्तबतुल ऊला अल इस्लाम, ये जो तीन मरातिब हैं दीन इस्लाम के, इनमें सबसे पहला जो मर्तबा है ये है इस्लाम। ये क्या है? इस्लाम। फिर बताते हैं कि फ़अरकानुल इस्लामी खमसतुन, इस्लाम के जो अरकान है वो कितने हैं? पांच। अरकानुल इस्लामी खमसतुन, माशाल्लाह जो हमें बिल्कुल बचपन के अंदर याद करवाया जाता है कि दीन इस्लाम के पांच अरकान हैं, शहादतें, नमाज, ज़कात, रमज़ान के रोज़े और इसी तरह बैतुल्लाह का हज। तो आज आप तफसील के साथ इन्हें समझिए, कुरान मजीद में या हदीस के अंदर इनके क्या दलाइल हैं, दलाइल के साथ, क्योंकि आपको पता है हमारी इस किताब का नाम है अल उसूल अस्सलासा बिल अदिल्ला। अल उसूल अस्सलासा बिल अदिल्ला कि आपने ये तीन उसूल तो सीखने हैं, अल्लाह की पहचान, दीन इस्लाम की पहचान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान, इनके बारे में इल्म हासिल करने, लेकिन दलाइल के साथ, तो दलाइल को सीखिए। तो इस्लाम के अरकान बता दिए गए कि इस्लाम के पाँच अरकान हैं। सबसे पहला, अब पहले इस चीज़ को समझिए, रुकन किसको कहते हैं? देखिए रुकन जिसको इंग्लिश के अंदर आप पिलर कहते हैं, अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में भी आप उसे पिलर या सुतून कहते हैं। एक इमारत का दारो मदार पिलर्स पर होता है। आपको पता है जितनी बुनियादें और पिलर्स मजबूत हैं उतनी इमारत मजबूत है। तो याद रखिए ये पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं। इस्लाम के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, मुस्तहबात हैं, सुनन हैं, नवाफिल हैं, कितनी चीज़ें हैं, हकूक़ो वाजिबात, सारी चीज़ों का नाम इस्लाम है। लेकिन जो पिलर्स हैं वो ये पांच हैं, जो पिलर्स हैं वो ये पांच हैं। और इनको पिलर्स किसने करार दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद करार दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनी अल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है और फिर ये पांच पिलर गुजरा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की बुनियाद करार दिया, इस्लाम की बुनियाद, असास, जो बेसिक होती है असल। तो ये जो फाइव पिलर्स हैं ये इस्लाम के उसूल हैं, इस्लाम की असल हैं। इन्हें बड़ी तवज्जो के साथ सीखिए। अब देखिए सबसे पहला क्या है? शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, इस चीज़ की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये पहला है। नंबर दो, व इकामुस्सला, और नमाज कायम करना। नंबर तीन, व ईता उज़्ज़का, ज़कात का देना, ज़कात को अदा करना। नंबर चार, व सौम रमदान, रमदान के रोज़े रखना। नंबर पाँच, व हज बैतिल्लाहिल हराम, अल्लाह का जो हुर्मत वाला घर है उसका
हज करना, तफसील आगे चलकर आ रही है। इनमें से हर एक की दलाइल तफसील के साथ मुसन्निफ रहिमहुल्लाह ने जिक्र किए। लेकिन जो सबसे जरूरी है इसके अंदर शहादतें, यानी ये जो आप कह लीजिए अहमियत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में बेशतर मुकामात पर इनके दलाइल जिक्र किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरतीब के साथ इन पांचों को जिक्र किया, यही इनकी अहमियत भी है। यानी इनमें अगर मैं सवाल करूं कि सबसे ज्यादा अहम कौन सा रुकन है, शहादतें, उसके बाद अहम कौन सा रुकन है, नमाज, उसके बाद जकात, उसके बाद रमजान के रोजे, और उसके बाद बैतुल्लाह का हज। पांचों पिलर्स हैं, लेकिन उन पांचों में से भी जो सबसे ज्यादा अहमियत वाला है वो क्या है, शहादतें। तो मुसन्निफ रहिमहुल्लाह कहते हैं अब देखें वो क्या जिक्र करेंगे, जरा बात को समझे, पांच पिलर्स की दलाइल जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं फदलील शहादा, शहादा की क्या दलील है। अब ये जो शहादा की दलील है, दो दलाइल जिक्र करेंगे, यानी एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह की दलील कुरान से, और दूसरी मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी दलील, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं इसकी दलील, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं इसकी दलील। तो पहले शहादत की दलील सुनिए, कौलहु तआला, अल्लाह का तआला का ये फरमान है, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ने यह गवाही दी कि उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अन्नहु ला इलाहा, ये कि नहीं है कोई हकीकी माबूद, इल्लाहु मगर वो अल्लाह, अल्लाह ने गवाही दी। मजीद किसने गवाही दी, नंबर दो वल मलाइकतु, और फरिश्तों ने गवाही दी। नंबर तीन व उलुल इल्मी, और इल्म वालों ने गवाही दी। अल्लाहु अकबर। कायमन बिल किस्त, वो इंसाफ के साथ कायम है, अदलो इंसाफ के साथ कायम है। ला इलाहा इल्लाहु, ताकीद के लिए दोबारा कलमा तैयबा को दोहराया, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद मगर वो। अल अजीज, वो गालिब है। अल हकीम, वो हिकमत वाला है। सूरत आले इमरान आयत नंबर 18। अब इस आयत की तफसीर सुनिए, देखिए बड़ी खूबसूरत आयत है। आप भी माशाल्लाह दीन के तालिबे इल्म हैं, दीन के इल्म को हासिल कर रहे हैं, तौहीद के इल्म को हासिल कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह से ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमें मरते दम तक अपने दीन का तालिबे इल्म रखें, अपने दीन को सीखने वाला, दीन को सिखाने वाला, और दीन की नशर व इशात के अंदर मुआविन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बना कर रखे। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन कैटेगरी जिक्र की उनकी गवाही, अल्लाह ने गवाही दी, फरिश्तों ने गवाही दी, और इल्म वालों ने गवाही दी। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहां इल्म वालों का शुमार, जो इल्म रखने वाले हैं, इल्म से मुराद किताबो सुन्नत का इल्म है, कुरान मजीद का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस का इल्म, इल्म रखने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने और फरिश्तों के साथ जिक्र किया। अल्लाह ने गवाही दी कि उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और फरिश्तों ने गवाही दी, और इल्म वालों ने गवाही दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो याद रखिए, जिसका कुरान और सुन्नत का इल्म जितना पुख्ता होगा, उसका अकीदा तौहीद उतना पुख्ता होगा। जिसके अकीदा तौहीद के अंदर, बल्कि अगर ऐसे कहा जाए कि जिसके किताब और सुन्नत के इल्म के अंदर जितनी कमी होगी, जितनी उसके अंदर जो कहते हैं ना कि वो एक गलत कंसेप्ट होंगे कुरान और हदीस के इल्म के अंदर, उतना ही उसका अकीदा तौहीद कमज़ोर होगा, उतना ही उसका अकीदा तौहीद कमज़ोर होगा। अल्लाहु अकबर। जैसे वो शायर ने भी कहा था, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह के सामने एक सजदा ये इंसान को इतनी इज्जत अता करता है के हजार जगहों पे उसका सर झुकाने से ये एक अल्लाह के सामने सजदा करना, ये उसके सर को बचा लेता है। अल्लाह अकबर। तो ये अकीदा तौहीद की खैरात व बरकात है। आप याद रखिए, ये जो कलमा तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह, उलमाए किराम ने इसकी सात शुरूत जिक्र की। तो देखिए जरा मेरे और आपके अकीदा तौहीद के अंदर ये सात शुरूत पाई जाती हैं या नहीं, जो आपको सबसे आखिरी लाइन के अंदर, सेकंड लास्ट लाइन के अंदर दिखाई दे रहा है। मेरे साथ शुमार कीजिए, आपका ये जो अकीदा तौहीद है
ये कलमा तैयबा है ला इलाहा इल्लल्लाह, हम सब मुसलमान हैं, इस कलमे का इकरार करते हैं। क्या हमारे इस कलमे के अंदर ये सात शुरूत हैं? सबसे पहली अल इल्म, सिर्फ इकरार नहीं, इसके बारे में इल्म भी हासिल करना है ताकि शिर्क और बिदात और जहालात से बच सकें और सही मानों में एक अल्लाह की इबादत कर सकें। सबसे पहली शर्त क्या है? अल इल्म। नंबर दो, वल यकीन, यकीन के साथ, अल्लाहु अकबर, यकीन, दिल के यकीन के साथ, कोलो दिल के यानी जुबान और दिल के यकीन के साथ इस कलमे को कहना है और इसके मुताबिक अमल करना है। नंबर तीन, वल कबूल, जैसे जुबान से इकरार करना है दिल से भी इसको कबूल करना है। नंबर चार, वल इनकियाद, इस कलमे के सामने, इस अकीदे के सामने झुक जाना है, इसकी तरफ माइल हो जाना है, इसकी तरफ पलटना है, लपकना है। और नंबर पांच, वल इखलास, इखलास भी शर्त है एक अल्लाह को राजी करने के लिए, मुखलिसीन लहुद्दीन, आगे दलील आ रही है। नंबर छह, वह सिद्क, सच्चाई के साथ, जिसके अंदर कोई निफाक राय के दाने के बराबर भी ना हो, सच्चाई के साथ इस अकीदा तौहीद को मानना है। और नंबर सात, अकीदा तौहीद को यह समझकर नहीं मानना कि हमारे ऊपर कोई चीज जबरन फर्ज कर दी गई है और ये क्या, नहीं, बल्कि इसको मोहब्बत के साथ अपनाना है। मोहब्बत के साथ यानी आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत और उसकी अजमत से भर जाए कि मुशरिकीन के माबूदाने बातिला सैकड़ों की तादाद में है, कभी इस नगर, कभी उस नगर, कभी दर बदर, अल्लाह अकबर, कभी यहां, कभी वहां, कभी कहां भागते जाते हैं, कभी कहां। मोहब्बत के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेशानियां एक अल्लाह के आगे झुकती हैं और हमारे हाथ एक अल्लाह के आगे उठते हैं। यह है अकीदा तौहीद की मोहब्बत, ये है अकीदा तौहीद की मोहब्बत। तो याद रखिए, मेरा और आपका अकीदा तौहीद तब खालिस हो सकता है जब हमारे इस कलमा तैयबा के अंदर ये सात शुरूत पाई जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता करे। अब चलते हैं, ये जो कलमा तौहीद है इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है? फरमाया मुसन्निफ रहिमहुल्लाह ने, मानाहा, इसका माना है, ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं है हक के साथ, सच के साथ, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। लोग इबादत तो बहुत सारे की करते हैं, बुतों की भी करते हैं, कब्रों के अंदर खुद जिन्हें हाथों से दफन करते हैं, बाज जोहला उनके आगे सरों को झुकाते हैं, उनके नाम की नजरों नियाज देते हैं, अल्लाह अकबर। इबादत तो बहुत सारों की होती है, लेकिन जो हक है, जो माबूद बर हक है, फरमाए ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह, कोई माबूद हक नहीं है मगर अल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अब जरा गौर कीजिए, वला इलाहा, देखिए जो आपका कलमा तैयबा है इसके दो जुज है, पहला जुज है ला इलाहा और दूसरा जुज है इल्लल्लाह। पहला जो जुज है ला इलाहा, नाफियन जमीअ मा युअबद मिन दूनिल्लाह, इसमें जिस किसी की भी अल्लाह के अलावा इबादत की जाती है उसकी नफी कर दी जाती है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है। याद रखिए, जब बात में जोर पैदा करना होता है तो आप पहले नफी करते हैं और फिर इस बात करते हैं, यहां भी ताकीद के लिए, यह अरबी कलाम के अंदर मजीद ताकीद पैदा हो जाती है, पहले नफी कर दी गई, ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं, यह नफी है, कोई इबादत के लायक नहीं। जमीअ मा युअबद मिन दूनिल्लाह, जिस जिसकी अल्लाह के अलावा इबादत होती है उसकी नफी हो गई। इल्लल्लाह, इस बात क्या है, मुस्बितन अल इबादत लिल्लाह, एक अल्लाह के लिए इबादत को साबित करते हुए। तो इस कलमे के अंदर नफी किसकी है, अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत होती है उनकी नफी, और इस बात क्या है, एक अल्लाह के लिए इबादत को खालिस करना, इस चीज का इस बात है। वहदहू, वो अकेला है, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं, फी इबादती ही, उसकी इबादत में, कमा अन्नहू लैस लहू शरीकुन फी मुल्किही, जैसे उसकी बादशाहत में उसका कोई शरीक नहीं, ऐसे ही उसकी इबादत में भी उसका कोई शरीक नहीं है। और मुसन्निफ रहिमहुल्लाह ने यहां पर यह जो दलील दोहराई, ये जो बात दोहराई ना कि जैसे उसकी मुल्क में, उसकी बादशाहत में कोई उसका शरीक नहीं, बिल्कुल इसी तरह उसकी इबादत में भी कोई उसका शरीक नहीं, क्योंकि
मक्का के मुशरिकीन ये माना करते थे कि उन्हें पैदा करने वाला एक अल्लाह है, ज़मीनों आसमान का मालिक एक अल्लाह है, हमें मौत देने वाला, हमें ज़िंदा करने वाला एक अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। तो इस वजह से कहा कि जो बादशाहत के अंदर अकेला है वही इबादत के अंदर अकेला होगा। और इसकी तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं कि अल्लाह की रबूबियत के जरिए वो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का पालने वाला है, उसकी रबूबियत के जरिए उसकी इबादत को साबित किया जाए। ये हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। तो ये इस स्लाइड में देखें, पांच अरकान थे इस्लाम के, उनमें से आपने क्या किया, जो पहला रुकन था शहादतें, दो गवाहियां, अल्लाह की वहदानियत की गवाही, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब रिसालत पर फाइज होने की गवाही। तो आपने जो पहली गवाही थी उसकी दलील और उसका माना पढ़ा। अब अगली स्लाइड के अंदर हम इसकी तफसीर पढ़ते हैं कि कलमा तौहीद, ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी तफसीर क्या है। तो चलिए पहले हम इबारत सुन लेते हैं सऊद बेटे से और उसके बाद फिर हम इसकी तर्जमा और तफसीर पढ़ते हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम बेटा। तफसीर हा, हा का मतलब यानी इस कलमे की तफसीर, ये जो कलिमा तोयबा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी तफसीर क्या है। देखिए तफसीर के अंदर यानी ला इलाहा इल्लल्लाह ये कुरान मजीद की आयत है, ये बकायदा कुरान का हिस्सा है, अल्लाह की वहदानियत की गवाही। अब इसकी तफसीर के अंदर भी कुरान मजीद की ही एक आयत लेकर आए मुसन्निफ रहिमहुल्लाह, बल्कि एक आयत नहीं दो आयात लेकर आए ताकि आपको ये बात समझा सकें कि जो कलमा तैयबा है ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी तफसीर क्या है। कहते हैं अल्लज़ी, जो के युवद्दिहुहा कौलुहु तआला, जिसको अल्लाह ताला का ये फरमान मजीद वाज़े करता है। क्या फरमान जी, सूरत ज़ुख़रफ़ की आयत नंबर 26, 27 और 28, तीन आयत का तर्जमा तफसीर सुनिए। व इज़ क़ाला इब्राहीम, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ली अबीही, अपने वालिद से, व कौम ही, और अपनी कौम से, इन्नी बरा उम, बेशक मैं बरी हूँ, मिम्मा ताबुदून, उस चीज़ से जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उससे बरी हूँ। अल्लाहु अकबर। ज़रा गौर कीजिए, ये जो बरात है, ये जो आयत नंबर 26 है ना, इन तीनों आयात के अंदर आयत नंबर 26 जिसमें हज़रत इब्राहीम की बरात का जिक्र है, मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह इस आयत से क्या साबित करना चाह रहे हैं, ला इलाहा, कि पहले आप बरात कीजिए कि कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो हज़रत इब्राहीम ने भी अपने वालिद और अपनी कौम से क्या कहा कि जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उससे बरात का इजहार करता हूँ। बरात का मतलब होता है ला ताल्लुकी का इजहार करता हूँ, तुम्हारे शिर्क से, तुम्हारी इन जहालात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इल्लल्लज़ी फ़तरनी, मगर वो अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया, फ़इन्नहु सयहदीन, बस बेशक अनकरीब वो मुझे हिदायत देगा, फ़इन्नहु सयहदीन, अनकरीब वो मुझे हिदायत देगा, वजअलहा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको बना दिया, कलिमतन बाकियतन फ़ी आक़िबिही, बाकी रहने वाला कलिमा इसको बना दिया, फ़ी आक़िबिही, अपने पीछे, मतलब अपनी औलाद में, अपनी औलाद में भी इसको बाकी रखा,
لعلهم يرجعون, شاید کہ وہ لوٹیں, وہ پلٹیں. اللہ اکبر. اگلی آیت سنیے, وقوله تعالى قل یا اہل الكتاب, یہ آیت سورۃ آل عمران کی آیت ہے. قل یا اہل الكتاب, اہل کتاب, تعالوا, آ جاؤ, الى کلمۃ, اس بات کی طرف, اس کلمے کی طرف, سواء, جو برابر ہے, بیننا و بینکم, ہمارے اور تمہارے درمیان. اہل کتاب, اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ. اے یہود و نصارہ, اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان بالکل ایک جیسے مشترک ہے, ہمارے تمہارے درمیان. اچھا, وہ کیا کلمہ ہے؟ اللہ نعبد, یہ کہ ہم نہ عبادت کریں, الا اللہ, مگر ایک اللہ کی. غور کریں تو پہلے کیا کیا گیا, نفی کی گئی, اللہ نعبد. تو ہمارے کلمے میں بھی پہلے کیا ہے؟ نفی ہے, لا الہ, پھر اس بات ہے الا اللہ. تو یہاں پر بھی نفی ہے, اللہ نعبد, یہ کہ ہم نہ عبادت کریں, الا اللہ, مگر اس اکیلے اللہ کی. ولا نشرک بہ شیئا, اور اس کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. شیئا, شیئا, نکرہ, کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہمارے بعض جو ہیں وہ بعض کو اللہ کے علاوہ معبود نہ بنائے, ہمارے بعض بعض کو اللہ کے علاوہ معبود نہ بنائے. اللہ اکبر. مزید سنیے, مزید کیا کہا؟ فَإِن تَوَلَّوْا, اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا, پس اگر وہ پھر جائیں, فَقُولُوا, تو تم کہو, کیا کہو؟ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو تم کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں, تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو کلمہ توحید کی تفسیر کے اندر دو آیات, ایک سورۃ آل عمران کی اور ایک سورۃ زخرف کی, تین آیات, ان کو بیان کر دیا گیا, جس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم کیا ہے. تو الحمدللہ ہم نے تفصیل کے ساتھ جو شہادتین کے اندر پہلا تھا لا الہ الا اللہ, ہم نے اس کو سیکھا. اب ہم چلتے ہیں جو دوسری گواہی ہے, دوسری شہادت ہے, ان محمد رسول اللہ, اس کی دلیل اور اس کے معنی کی طرف. دلیل کیا ہے اس کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور اس کا معنی کیا ہے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کی گواہی دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے گواہی دینے کا. تو چلیے پہلے ہم عبارت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں. جی, وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ بارك الله فيكم. بیٹا اب دیکھیے, جو پہلا رکن, ابھی پہلے پلر کی پہلے رکن پر بات ہو رہی ہے, شہادتین, دو گواہیاں ہیں, اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. وحدانیت کی گواہی, اس کی دلیل, اس کا معنی اور اس کی تفسیر دو آیات کی روشنی میں آپ نے پڑھی. اب ذرا آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کی گواہی دینا. مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں ودلیل شہادتی ان محمد رسول اللہ, اور اس چیز, اس شہادت کی دلیل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, قولہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم, البتہ تحقیق آ چکے تمہارے پاس ایک رسول, من انفسکم, تم ہی میں سے,
यानी वो जो रसूल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर नहीं भेजा, बल्कि इंसानों की तरफ, इंसानों में से ही एक इंसान को नबी और रसूल बनाकर भेजा। तो रसूलुम मिन अनफुसिकुम, वो तुम्ही में से हैं। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद सिफात बयान की गई, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, जो चीज तुम्हारे लिए बाइस मुशक्कत हो, तुम्हारे लिए मुश्किल हो, वो उस पर बड़ी गरां गुजरती है। अज़ीज़ुन अलैहि, उस पर गरां है, मा अनितुम, जो तुम्हारे लिए मुशक्कत हो, हरीसुन अलैकुम, वो तुम पर हिर्स रखने वाला है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और वो मोमिनों पर बड़े शफीक, शफकत करने वाले, रऊफ का मतलब शफीक, शफकत फरमाने वाले, रहीम मेहरबान है, रहम करने वाले हैं, मोमिनों पर शफीक और मेहरबान है, और तुम पर हरीस हैं, और जो तुम पर चीज मुशक्कत का बाइस हो, वो उन पर बड़ी ग्रां गुजरती है। अल्लाह अकबर। तो देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की गवाही, आपकी जो शहादत है, आपकी रिसालत की शहादत की गवाही कुरान मजीद की ही एक आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 128 जिक्र करके दी गई कि लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्ही में से एक रसूल तुम्हारे पास आए। अल्लाह अकबर। अब आपने गवाही पढ़ी, अब जरा ये पढ़िए कि हम सब ये कहते हैं कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, हम गवाही देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इस गवाही देने का क्या मतलब है? तो मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने इस गवाही के अंदर चार चीज़ों को जिक्र किया, चार चीज़ें, शुमार कीजिए, देखिए, गौर कीजिए, हर बंदा सोचे कि मैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देता हूँ, तो क्या मेरी इस गवाही के अंदर ये चार चीज़ें पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही? नंबर एक, ताअतुहु फीमा अमर, जिस चीज़ का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उसमें आपकी इताअत करना। नंबर दो, व तस्दीकुहु फीमा अखबर, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी उसकी तस्दीक करना कि आपने सच बतलाया। नंबर तीन, वज्तिनाबु मा नहा अन्हु वज़जर, जिस चीज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, रोक दिया, उससे रुक जाना, इज्तिनाब करना। नंबर चार, वा अल्ला युअबदल्लाहु इल्ला बिमा शरा, फेल मजहूल है, पैसिव वाइज, वा अल्ला युअबदल्लाह, ये कि ना अल्लाह की इबादत की जाए, इल्ला बिमा शरा, मगर उस तरीके के साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको शरीयत करार दिया, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरू किया। यानी जैसे हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इबादत करनी सिखाई, वैसे हम अल्लाह की इबादत करेंगे। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत, हमारे ऊपर, हम मोमिनों पर इतना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हम तो अपने रब को भी ना पहचान सकते, हम तो अपने दीन दीन इस्लाम को भी ना पहचान सकते, हमें तो नमाज पढ़ने का तरीका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सिखलाया, हमें तो हज, उमरा, ज़कात, रमज़ान किसी चीज़ का नहीं पता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, हमें सिखलाया। तो याद रखिए, अगर मेरी और आपकी गवाही के अंदर ये चार चीज़ें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उसकी इताअत, जब भी आप कोई हदीस सुनते हैं आपका, आप सल्लल्लाहु, यानी कभी इस नियत से भी हदीस पर अमल किया करें कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहा हूँ, गोया कि मैं आपकी गवाही का हक अदा कर रहा हूँ, जो मैंने आपको अल्लाह का आखिरी नबी रसूल माना, मैं उस गवाही का हक अदा कर रहा हूँ आपकी इताअत करके, और जो आपने खबर दी मैं आपकी तस्दीक कर रहा हूँ, आपकी अहादीस में से जो सही अहादीस का मजमुआ है, सही बुखारी, मुस्लिम, दीगर अहादीस की कुतब, जितनी भी कोई सही हदीस जो मुझे उलमाए किराम के जरिए पता चलती है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी तस्दीक करूं, मैं उसकी क्या करूं, तस्दीक करूं जो आपने खबर दी, और जिस चीज से आपने रोका मैं उससे रुक जाऊं, और मैं अल्लाह की इबादत भी उसी तरीके से करूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया। तो याद रखिए, अगर मेरी और आपकी गवाही के अंदर ये चार चीजें हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए खुशखबरी है, वरना एक इंसान को अपना मुहासबा करता रहना चाहिए और अपने, अपनी गवाहियों के अंदर ये चीज़ें पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए,
ताकि वो पुख्ता, आप कह लीजिए यकीन और पुख्ता अमल वाला हो सके और पुख्ता गवाहियों वाला हो सके। जी तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, इससे पहले कि मैं इसकी किरात सुनूं, इसके अंदर जो बाकी के चार अरकान हैं, नमाज, जक़ात, रोज़ा और हज, उन चारों के दलाइल कुरान मजीद से तीन आयात जिक्र करके दिए गए हैं। तो चले पहले हम इसकी इबारत सुन लेते हैं और फिर उसके बाद तर्जमा और तशरीह की तरफ आते हैं। माशाअल्लाह, अहसंत बेटा, जज़ाकअल्लाहु खैर। मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह कहते हैं जो दूसरा और तीसरा रुकन है नमाज और ज़कात, इन दोनों की दलील एक ही आयत करीमा में ज़िक्र है और वह सूरतुल बय्यिना की आयत नंबर 5 है। मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह कहते हैं वह दलील उस्सलाती वज़्ज़का, और नमाज और ज़कात की दलील व तफसीर तौहीद, और इसी तरह तौहीद की तफसीर, क्योंकि आयत करीमा का कुछ हिस्सा तौहीद पर भी मबनी है। कौलहु तआला, अल्लाह ताला का ये फरमान है, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और उन्हें नहीं हुक्म दिया गया मगर ये कि वो इबादत करें अल्लाह की उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए, मुखलिसीन लहुद्दीन, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। हुनफा, हुनफा ये हनीफ उनकी जमा है, यकसू होकर, व युकीमुस्सलाता, और वो नमाज को कायम करें, व युतुज़्ज़काता, और वो ज़कात को दें, व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, और यही सही मिल्लत, जो मिल्लत है यही उसका दीन है, जो दुरुस्त और सीधी मिल्लत है, सीधा तरीका है, ये उसका दीन है। अल्लाहु अकबर। अब ज़रा गौर करें इस आयत करीमा को क्यों ज़िक्र किया गया, क्योंकि इस आयत करीमा में युकीमुस्सलात व युतुज़्ज़कात, क्योंकि इसमें नमाज और ज़कात का ज़िक्र है, और हम पढ़ रहे हैं पांच अरकान के दलाइल, शहादतैन के दलाइल हमने पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं नमाज और ज़कात की दलील। सूरतुल बैकिना की आयत नंबर 5 से साबित किया कि वमा उमिरु, उन्हें नहीं हुक्म दिया गया मगर इन चीज़ों का, उन्हें तो इन चीज़ों का हुक्म दिया गया था कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करें, मतलब इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करें, और उन्हें यह हुक्म दिया गया था कि नमाज को कायम करें और ज़कात को दें। तो देखें, हुक्म दिया गया था नमाज को कायम करें और ज़कात को अदा करें, तो इससे इन दोनों की फर्जियत पता चलती है, और ये इस्लाम के अरकान में से दूसरा और तीसरा अहम रुकन है। अब आते हैं दलील उस्सियाम, रोज़े की दलील। कौलहु ताला, अल्लाह का ये फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया गया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दिया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम डर जाओ, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर आ जाए। तो ये जो अल्फाज है ना कुतिबा, ये रोज़ों की फर्जियत पर दलालत करते हैं, और ये इस्लाम के अरकान में से चौथा अहम तरीन रुकन है। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। कुतिबा का क्या मतलब है? कुतिबा का मतलब है फर्ज कर दिए गए। कैसे फर्ज कर दिए गए? कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून। तो ये रोजों की दलील होगी। अब आइए पांचवें रुकन की तरफ, और पांचवा रुकन क्या है हमारा? पांचवा रुकन है हज।
उसकी क्या दलील है? कौलहु तआला व दलील الحج कौलहु तआला, और हज की दलील अल्लाह का ये फरमान है, वलिल्लाह अला الناس حج البيت, और अल्लाह के लिए लोगों के जिम्मे वाजिब है। क्या वाजिब है? हिज्जुल बैत, बैतुल्लाह का हज करना। लेकिन किस पर? क्या सब पर वाजिब है? नहीं। मनी इस्तता इलैहि सबीला, जो उसकी तरफ जाने की इस्तात रखता है। हाँ, जो जाने की इस्तात रखता है, ये पांचवा रुकन उसके साथ खास है, उस पर वाजिब है जो इस्तात रखता है। इस्तात से मुराद दोनों तरह की ताकतें आ जाती हैं, माली ताकत भी और जिस्मानी ताकत भी। एक बंदा, उसको अल्लाह ने माल तो अता किया, लेकिन बीमारी ये नहीं जा सकता, सफ़र करने की या हज की मशक्क़त को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, तो ठीक है, उस पर हज फ़र्ज़ नहीं, क्योंकि वो इस्तेतात नहीं रखता। एक बंदे जिस्मानी ताकत तो है लेकिन माली इस्तेतात नहीं है, तो उस पर भी हज वाजिब नहीं है। हाँ, वाजिब का ये मतलब है कि जब आपके पास ये दो इस्तेतात, माली और जिस्मानी, हो जाए तो आप पर हज का करना वाजिब है। और हमारे मुआशरे के अंदर, ख़ासकर बरेसगिर पाको हिंद में, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह ये करम किया कि कई साल तक, चार पाँच साल तक हज के दौरान हुजाज की खिदमत करने का मौका मिला मक्का मुकर्रमा के अंदर। आप यकीन जानिए, पूरी दुनिया के हुजाज में जो सबसे बुज़ुर्ग तरीन बड़ी उम्रों के लोग होते हैं, वो हमारे ये जो बरेसगिर पाको हिंद का खित्ता है, इसके होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि हज का ताल्लुक बस आखिरी उम्र के साथ है, कि हमने अपने सारे गुनाह मुआफ़ करवाने जाने। नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है। हज का ताल्लुक इस्तेतात के साथ है। ज़िंदगी के जिस हिस्से में भी आपके पास ये दो ताकतें हैं, माली जिस्मानी, तो आप पर हज का करना वाजिब हो गया। तो ये इस्लाम के पांच अरकान हैं, शहादतैन, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज, और इन पाँचों के दलाइल कुरान मजीद से जिक्र कर दिए गए। अब हम आते हैं पहला, देखें हम पढ़ रहे हैं दीन इस्लाम के तीन मर्तबे। पहला मर्तबा हमने पढ़ा इस्लाम, अब हम दूसरा मर्तबा पढ़ने जा रहे हैं ईमान। ईमान, ईमान, और इसकी यही एक स्लाइड है जिसके अंदर ईमान के छह अरकान और उनकी कुरान मजीद से दलाइल जिक्र किए गए। ठीक है, तो चलें पहले हम इसकी इबारत सुन लेते हैं। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ईमान के बारे में, आप सब ने तवज्जो से इसके अंदर शरीक होना है। पहले इबारत सुन लेते हैं सऊद बेटे से, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसका तर्जमा और तशरीह की तरफ आते हैं। على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم। جي المرتبة الثانية, दूसरा स्टेप, दूसरा मरतबा क्या है? पहला मरतबा इस्लाम, दूसरा मरतबा ईमान, और तीसरा मरतबा एहसान। अब दूसरा मरतबा है हमारे पास ईमान। जरा तवज्जो के साथ बात को समझिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान का ज़िक्र सूरतुल बकरा, सूरतुल कमर के अंदर किया, ईमान के अरकान का ज़िक्र। हम इन दोनों आयात के तर्जमा और तफसीर की तरफ भी आते हैं। मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह कहते हैं अल ईमान वहुवा बिदउन व सबउन शुअबा, और ईमान जो है ये बिदउन का मतलब होता है, अरबी ज़ुबान में बिदउन का लफ्ज़ बोला जाता है तीन से लेकर नौ तक के लिए। अरबी ज़ुबान में बिदउन का लफ्ज़ किस के लिए बोला जाता है? तीन से लेकर नौ तक की जो काउंटिंग है, अदद है, उसके लिए बिदउन का लफ्ज़ बोला जाता है। तो ईमान के कितने दरजात हुए? मतलब
73 से लेकर 79 तक ईमान के दरजात हैं। शोबा, शोबा का मतलब इसकी शाखें, शोबा का लफ्ज़ी मतलब आप शाखें कह सकते हैं। इसकी जो शाखें हैं ईमान की वो 70 से ज़ायद हैं। फरमाया फ़अला, सबसे जो आला शाख है ईमान की, इन शाखों में जो सबसे बुलंद तरीन शाख है वो क्या है? कौलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही, ये सबसे आला मर्तबा है। अल्लाह, ईमान का सबसे आला मर्तबा कि आप एक अल्लाह की इबादत करें। व अदनाहा, सबसे निचला दर्जा, जिसको शायद मैं और आप कोई नेकी ना समझे, सबसे निचला दर्जा। फरमाया ईमान का सबसे निचला दर्जा इमातुल अदा अनि तारीक, रस्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, चाहे वो कोई पत्थर है, लकड़ी है, कोई तकलीफ दे चीज है रस्ते से उसको हटा देना। तकलीफ दे चीज को रस्ते से हटाना ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। वल हया उशुअबतु मिनल ईमान, और हया जो है शर्मो हया, ये भी ईमान का एक शोबा है। अल्लाह, जरा गौर करें, सबसे आला दर्जा बताया गया, सबसे निचला अदना दर्जा बताया गया, और हया की अहमियत देखिए कि बता दिया गया ये भी ईमान के शोबों में से एक शोबा है, ये भी ईमान की शाखों में से एक शाख है, शर्मो हया। अब यहां पर यानी इससे पहले जो हमने इस्लाम के पांच अरकान पढ़े, आप जरा गौर कीजिए, वो पांच के पांच अरकान जाहिरी अमाल थे, मतलब नमाज, रोजा, हज, जक़ात वगैरह जाहिरी हैं। आप नमाज पढ़ते हैं दिखाई देती है, आप नमाज रोजा रखते हैं, आप जक़ात देते हैं, हज वगैरह करते हैं, यानी ये जाहिरी अमाल का नाम इस्लाम, और ईमान किस चीज का नाम है? बातनी अमाल का नाम। बातनी मतलब जो दिखाई नहीं देते। और याद रखिए ईमान तीन चीजों का मजमुआ है। मेरा और आपका, हर इंसान का ईमान तब मुकम्मल होगा जब ईमान के अंदर ये तीन चीजें होंगी। नंबर एक, कौलुन बिल लिसान, जुबान से इकरार करना। नंबर दो, व एतिकादुन बिल कल्ब, और दिल से अकीदा रखना, दिल से यकीन रखना। जुबान से इकरार, दिल से यकीन, व अमलुन बिल जवारिह, और अपने आजा के जरिए, अपने जिस्म के जरिए अमल करना। ईमान इन तीन चीजों का मजमुआ है। आप जरा गौर करें ना, मुनाफिकीन क्या करते थे? जुबान से इकरार करते थे, दिल से नहीं मानते थे, वो मोमिन नहीं कहलाए, वो मोमिन नहीं कहलाए। पता चला ईमान के लिए जुबान के इकरार के साथ साथ दिल से यकीन रखना भी लाजिम है। और बाज ऐसे लोग हैं जिन्हें यकीन था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, दिल से यकीन था, लेकिन अपने खानदानी रस्म और रवाज की वजह से, वो लोगों की बातों की वजह से इस्लाम कबूल नहीं कर सके। दिल से यकीन था लेकिन जुबान से इकरार नहीं किया, तो दिल के यकीन ने उन्हें कोई फायदा नहीं दिया। तो पता चला ईमान इन तीनों चीजों का मजमूआ है, इन तीनों चीजों की कम्बिनेशन है। आप जुबान से इकरार करें, दिल से यकीन करें, सिर्फ ये दो नहीं, तीसरी चीज है अमल भी करें, यह भी ईमान है। ये नहीं कि आपके मैं जुबान से इकरार करता हूं, दिल से यकीन भी रखता हूं, और कभी नमाज, रोजे और जो दीगर अमाल है उनके करीब भी एक बंदा नहीं भटका, तो जान लीजिए कि ये उसका ईमान कामिल मुकम्मल वो मोमिन नहीं है। अल्लाह, और ईमान अल्लाह की इताअत करने से बढ़ता है और अल्लाह की मासियत से ईमान कम होता है। आप देख लीजिए, कभी आप कोई तिलावत सुनते हैं, कभी कोई बयान सुनते हैं, कभी कोई दर्स सुनते हैं, आपको अपने ईमान के अंदर इजाफा होता दिखाई देता है। अल्लाह अकबर, ये इंसान की ईमानी कैफियत है। मुहासबा इसी चीज़ का नाम है कि अल्लाह के मोमिन बंदे को हमेशा अपना जायज़ा लेते रहना चाहिए, इससे उसका ईमान बढ़ता रहेगा। और अगर वो अल्लाह के जिक्र से, वाज़ो नसीहत से जितना दूर होता जाएगा, उसका ईमान उतना कम होता चला जाएगा। जी, मुसन्निफ रहिमहुल्लाह कहते हैं वह अरकानुहु सित्तातुन, इस्लाम के जो अरकान है वो छः हैं, इस्लाम के अरकान छः। बल्कि इससे पहले जो शरा के अंदर दूसरा पॉइंट है उसकी वजाहत भी सुन लीजिए। याद रखिए, अहले इस्लाम तो बहुत ज़्यादा हैं,
लेकिन अहले ईमान बहुत कम हैं। गौर करें, ये आप इस्लाम के तीन मर्तबे पढ़ रहे हैं, इस्लाम, ईमान, एहसान। सबसे ज़्यादा कौन है? अहले इस्लाम। उससे कम कौन है? अहले ईमान। सबसे कम कौन है? अहले एहसान, जो इससे अगला दर्जे आगे चलकर आ रहा है, एहसान। जो बंदा दीन इस्लाम मुसलमानों के घर में पैदा हुआ, वो कहते हैं मैं मुसलमान हूं, ठीक है, उसने इकरार किया वो मुसलमान है, लेकिन ईमान किस चीज का नाम है जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं और जो आपने पढ़ा, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और फिर ईमान के अंदर भी एहसान किस का नाम है, ये उससे भी कम लोगों को नसीब होता है। और अगली स्लाइड के अंदर हमने एक पिक्चर के जरिए भी इस चीज की वजाहत की है, इन तीनों दराजात की मजीद वजाहत। आप देखें सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 14, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا, देहाती ये कहते हैं कि हम ईमान लाए, कुल कह दीजिए, लम तुमिनु कह दीजिए, तुम ईमान नहीं लाए, वलकिन कुलु अस्लमना, बल्कि ये कहो कि तुम इस्लाम लाए हो, तुमने बस इकरार किया, दीन इस्लाम में दाखिल हुए, तुम जाहिरी तौर पर अमाल कर रहे हो, तुम इस्लाम लाए, ये मत कहो कि ईमान लाए। वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, और अल्लाह ने फरमाया और अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ईमान दिल की कैफियत का नाम, अभी ये ईमान यकीन तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। अब जरा ईमान के छह अरकान को पढ़िए और यह पढ़िए कि कुरान मजीद में कहां पर यह छह अरकान जिक्र हैं। अरकान हु सित्तातुन, मुसनिफ रहमहुल्लाह कहते हैं ईमान के छह अरकान हैं, अंतु मीना बिल्लाही, ये कि तू अल्लाह पर ईमान लाए, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, व तुमीना बिल कदरी और तू तकदीर पर ईमान लाए, खैर ही व शर रही, अच्छी है या बुरी है वो अल्लाह की तरफ से है, अच्छी है या बुरी हिस्से है वो अल्लाह की तरफ से है, तू इस चीज पर ईमान लाए। तो यहां पर ये छह ईमान के अरकान जिक्र कर दिए गए। अल्लाह अकबर। अब है वद दलील वाला हदिल अरकान सित्ता, इन छह अरकान पर दलील क्या है? कौलहु तआला, अल्लाह ताला का ये फरमान, लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक वल मग़रिब, सारी की सारी अच्छाई को इस चीज का नाम नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक व मग़रिब की तरफ करो, वलाकिन अल बिर्र, और लेकिन नेकी तो इस चीज का नाम है, मन आमना बिल्लाही, जो अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, वल मलाइकती और फरिश्तों पर ईमान लाए, वल किताबी और कुरान मजीद पर ईमान लाए, व नबी गीना और अम्बिया पर ईमान लाए। यहां पर सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177 में पांच अरकान की दलील जिक्र की गई, छठी जो है तकदीर वो इस आयत करीमा में जिक्र नहीं है क्योंकि वो कुरान मजीद में ही दूसरे मुकाम पर सूरतुल कमर की आयत नंबर 49 में जिक्र है। वह दलील उल कदरी, कदर की क्या दलील है? कौलहु तआला, अल्लाह का ये फरमान, इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिकदर, बेशक हमने हर चीज को एक तकदीर के साथ पैदा किया। अल्लाहु अकबर। हमने हर चीज को तकदीर के साथ पैदा किया, खलकनाहु। तो ये आप कह लीजिए कि ये छह अरकान के दलाइल हैं। पांच अरकान सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177 में जिक्र हैं और जो छठा रुकन है वो सूरतुल कमर की आयत नंबर 49 में, आयत नंबर 49 में जिक्र है। तो ये ईमान के छह अरकान हैं। अब इन छह के छह पर ईमान लाना, जुबान से इकरार भी करना, दिल से यकीन भी रखना और अपने जिस्म के जरिए अमल भी करना, तब कहीं जाकर आप कहेंगे कि यह ईमान कामिल है, यह ईमान मुकम्मल है। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं एहसान की तरफ। अल एहसान, तीसरा दर्जा है एहसान का।
पहले हम इबारत सुन लेते हैं और उसके बाद इसके तर्जमा और तफसीर की तरफ आते हैं। المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه جزاك الله خيرا। अलमरतबतु थालिथा, दीन इस्लाम के तीन मरातिब आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आज का हमारा मौजू ही यही है, दीन इस्लाम की पहचान, दीन इस्लाम की मारिफत। पहला मरतबा आपने पढ़ा इस्लाम और उसके पांच अरकान, दूसरा मरतबा आपने पढ़ा ईमान और उसके छः अरकान, तीसरा मरतबा है हमारे पास अलमरतबतु थालिथा अल एहसान। तीसरा मरतबा क्या है जी? एहसान, रुकनुन वाहिद और वह एक रुकन है, एहसान का एक रुकन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एहसान किस चीज़ का नाम है? ये जो हम उर्दू में कहते हैं ना एक दूसरे पर एहसान करना, ये हमारे उर्दू के मीनिंग में है। अरबी में इसको भी एहसान कहा गया है, एक दूसरे पर के साथ नेकी करना, लेकिन अरबी ज़ुबान में एहसान का मफहूम बड़ा वसी है। ज़रा गौर कीजिए, इसकी सबसे बेहतरीन तशरीह ये की गई कि इखलास, इखलास का क्या मतलब है? कि आप जो एक काम कर रहे हैं उसमें आपकी नीयत भी खालिस हो जाए कि आप एक अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इस चीज़ का नाम इखलास है। कोलो बातिन का मतलब जो जाहिर है और जो बातिन है उसका एक हो जाना, बोले ये क्या है? ये क्या कहलाता है? इखलास। उलमाए किराम ने कहा कि इखलास का जो आला तरीन दर्जा है वो एहसान है। इखलास, हर अमल को अल्लाह के लिए खालिस करना, इसका सबसे जो आला दर्जा है वो एहसान है, जिस दर्जे में पहुंच कर जाहिर और बातिन बिल्कुल एक हो जाता है। जो बंदा अमल कर रहे हैं दिल से वो अमल अल्लाह के लिए ही कर रहा है, कोई अपनी तारीफ मकसूद नहीं, रियाकारी, दुनियावी लालच, मनफात कुछ नहीं, एक अल्लाह के लिए उसकी नियत खालिस है। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। तो बोले ये क्या है? एहसान। ये क्या है? एहसान। अब जरा जैसा कि हमने ये बात कही थी कि हर मुस्लिम मोमिन नहीं होता, मुसलमान बहुत हैं मोमिन कम हैं, और जो मोहसिन हैं मतलब एहसान वाले वो उनसे भी कम है। आपको तस्वीर के अंदर तीन दायरे दिखाई दे रहे हैं वाइट कलर्स की इस पिक्चर में। उलमाए किराम ने इसको इस हदीस की शरह में जिक्र किया कि ये जो सलात है तो दवाइर, ये जो तीन दायरे हैं, जो सबसे बाहर का दायरा है ये इस्लाम है, इसमें बहुत से लोग हैं। फिर जो इससे खास दायरा है जिसमें लोगों की तादाद मजीद कम हो जाती है वो ईमान है, दिल का यकीन भी रखना, और जो उससे भी कम है वो क्या है? मोहसिनीन, जो एहसान का दर्जा है ये उससे भी कम है। मतलब ये कि जो ईमानो इस्लाम के अंदर, ईमान और इस्लाम के अंदर दोनों को एक अल्लाह के लिए खालिस करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको करने वाले हैं, ये उससे भी कम है, ये एहसान का दर्जा है। अल्लाह अकबर। मुसन्निफ रहिमहुल्लाह कहते हैं रुकनुन वाहिदुन, एहसान का एक ही रुकन है, वह हुआ और वो ये है अन तअबुदल्लाह, ये कि तू अल्लाह की इबादत करे, का अन्नका तराहु, जैसे कि तू उसको देख रहा है, फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, अगर इस मर्तबे पर नहीं आ सकता कि तू अपने दिल के अंदर ये बात लेकर आए कि तू अल्लाह को देख रहा है, तो कम अज कम ये कर ले कि अल्लाह तुझे देख रहा है। उलमाए किराम ने कहा ये मुराकबा के दो दरजात हैं,
पहला ये कि तू अल्लाह को देख रहा है, अगर नहीं तो कम अज कम ये कि अल्लाह तो तुझे देख रहा है। फ़ाइलम तकुन तराहु फा इन्नहु यराक, वो अल्लाह तो तुझे देख रहा है। अल्लाह हू अकबर। अब ये जो एहसान है इसकी दलील क्या है? इसको हमने कहा कि ये इस्लाम का एक मर्तबा है। दलील क्या है? कौलुहु ताला, अल्लाह ताला का ये फरमान, इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ, बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो डर गए, अल्लाह उनके साथ है। ये अल्लाह की खास मईयत है और ये मुत्तकीन के साथ है। और दूसरी कैटेगरी कौन है? वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और उन लोगों के साथ है जो एहसान करने वाले हैं। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो मुत्तकी हैं और उन लोगों के साथ है जो एहसान करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, जो एहसान करने वाले हैं अल्लाह उनके साथ है। सूरतुन नहल की आयत नंबर 128। वकौलुहु तआला, सूरतुश शुआरा की तीन आयात बतौर दलील में जिक्र की गई एहसान के। फरमाया वत्तवक्कल अलल अज़ीज़ रहीम, आप तवक्कुल कीजिए उस अल्लाह पर जो गालिब है, रहम करने वाला है। अल्लज़ी यराक हीन तकूम, वो अल्लाह आपको देख रहा होता है जब आप क़याम करते हैं। वत्तक़ल्लुबक फिस्साजिदीन, और जब आप सजदा करने वालों में आपकी हालत बदल रही होती है, मतलब आप क़याम कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, उठ रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, आपका उठना बैठना अल्लाह इसको देख रहा होता है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, क्योंकि बेशक वो सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। तो देखिए एहसान की तारीफ में भी हमने यही पढ़ा, फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, वो अल्लाह आपको देख रहा है। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया कि अल्लाह आपको देख रहा होता है जब आप क़याम करते हैं और जब आप सजदे करते हैं, क्योंकि वो सुनने वाला इल्म रखने वाला है। अगली दलील सूरत यूनुस की आयत नंबर 61। कौलुहु ताला, अल्लाह ताला का ये फरमान, वमा तकूनु फी शअनिन, और आप नहीं होते किसी हालत में, या आप जिस भी हालत में होते हैं, वमा तत्लु मिन्हु मिन कुरआनिन, और आप जो भी कुरान तिलावत करते हैं, वला तअमलून मिन अमलिन, और आप जो भी अमल करते हैं, इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा, मगर हम आपको देख रहे होते हैं, हम आप पर गवाह होते हैं। शहूद शहीद की जमा है, मतलब हम आपको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। इस तुफी दूनफी, जब आप अपना वक्त उसमें गुजारते हैं, जब आप वो काम कर रहे होते हैं। अल्लाह हू अकबर। तो इससे भी पता चलता है कि एहसान का दर्जा यह है कि इंसान अपने दिल के अंदर ये यकीन पैदा कर ले कि वो अल्लाह को देख रहा है, अगर ये नहीं तो उसका रब उसे देख रहा है। और देख लीजिए मोमिनों के अंदर भी ये लोग बहुत कम हैं जिनके दिलों के अंदर ये यकीन पुख्ता हो सकता है, या पुख्ता होता है कि वो अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह उन्हें देख रहा है। अल्लाह, तो ये एहसान है। अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आज का मौजू मुकम्मल है, बस हम सिर्फ एक हदीस पढ़कर आपसे इजाजत लेते हैं। हदीस जिब्रील है, इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और सिर्फ इस हदीस का तर्जमा पढ़ेंगे, क्योंकि इस हदीस की मुकम्मल तशरी आज के लेक्चर में गुजर चुकी है। इस हदीस को जिक्र करने का यहाँ मकसद ये है कि इस हदीस के अंदर इस्लाम, ईमान और एहसान का जिक्र है। इस हदीस में इस्लाम, ईमान और एहसान का जिक्र है, तो इस वजह से हम इस हदीस को, पहले हम इसकी किरात सुन लेते हैं और फिर हम इस हदीस का तर्जमा पढ़ते हैं, ताकि हम अपनी बात को मज़ीद समझ सकें कि दीन इस्लाम के जो तीन मरतबे हमने पढ़े, इस्लाम, ईमान और एहसान, ना सिर्फ ये कुरान मजीद से साबित होते हैं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से भी साबित हो रहे हैं। जी والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثم السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه
وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. احادیث کی کتابوں میں اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ نے چند سوالات کیے تھے. حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں والدلیل من السنۃ. دیکھیں اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں ذکر کی ان کے دلائل قرآن مجید سے ذکر کیے، اب کہتے ہیں والدلیل من السنۃ، سنت سے کیا دلیل ہے؟ حدیث جبریل المشہور، جبریل حدیث جبریل جو بڑی مشہور ہے. عن عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں بینما نحن جلوسنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، جب ایک شخص ہم پر آیا. اب وہ جو شخص آیا تھا اس کی صفات سنیے، ظاہری صفات، شدید بیاض ثیاب، اس کا جو لباس تھا اس کے کپڑے بڑے شدید سفید تھے، سفید کلر کا اس کا لباس تھا، شدید سواد شعر، اس کے جو بال تھے وہ بڑے سیاہ تھے، اس کے بال بڑے سیاہ تھے. اچھا اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی جو دو نشانیاں بیان کی نا، اس کا لباس بڑا سفید تھا اور اس کے بال بڑے سیاہ تھے. آگے سنیے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی نشان نہیں تھے. مطلب ایک بندہ سفر سے جو آتا ہے اس کے کپڑوں سے یا اس کے بالوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے سفر، آپ کو پتہ ہے اس دور کے اندر جو سفر ہوتے تھے. اگلی بات، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا. یعنی صحابہ کرام کے لیے یہ چیز بڑی تعجب کا باعث ٹھہری کہ بندہ آیا کپڑے بالکل سفید، صاف شفاف، داڑھی وغیرہ، بال بالکل، کیونکہ ایک حدیث کے اندر داڑھی کا بھی ذکر ہے، بال وغیرہ بالکل اس کے سیاہ، کوئی اس پر سفر کے نشانات نہیں اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں. مطلب اگر وہ مدینہ کے رہائشیوں میں سے ہوتا تو ہم میں سے کوئی جانتا ہوتا، اور اگر وہ باہر سے آیا ہوتا تو اس پر کوئی سفر کے نشان ہوتے. یہ صحابہ کے لیے تعجب ٹھہرا. فجلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ کر بیٹھے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اللہ اکبر، انہوں نے اپنے رانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں کے ساتھ رکھا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ٹانگوں پر رکھا. بعض علماء نے اس کا بھی ترجمہ کیا کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کو، یعنی وہ دوزانوں ہو کر بیٹھے، جیسے آپ نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں ایسے دوزانوں ہو کر بیٹھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ٹانگوں پر رکھا. اور بعض علماء نے یہ ترجمہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ٹانگوں پر رکھا. بہرحال علماء نے اس سے کہا کہ یہ حضرت جبریل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب ہے، کیونکہ وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنے آئے ہیں، اور یہی ادب ایک سائل کا علماء کرام کے ساتھ ہونا چاہیے، جس سے آپ سوال پوچھنے جا رہے ہیں یا جو عالم ہیں اس کا یہ ادب و احترام ہونا چاہیے جو حضرت جبریل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا. وقال، اور کہا، یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز کو قائم کرے. وتؤتی الزکاۃ، اور تو زکوٰۃ کو دے. وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے. وتحج البیت، اور تو بیت اللہ کا حج کرے. ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تو اس کی طاقت رکھتا ہے. قالا، اس شخص نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. حضرت عمر کو دوسرا تعجب ہوا، تعجب سنیے، کہتے ہیں فعجبنا لہو، ہمیں بڑا تعجب ہوا.
फाजिब न लहू, हमें उसकी इस बात पर ताजुब हुआ, यस अलहू सवाल भी कर रहा है, व युसद्दिकुहू और तस्दीक भी कर रहे हैं। क्योंकि याद रखें जो सवाल सीखने की गर्ज से करता है फिर वो ये तो नहीं कहता कि आपने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि अगर उसको सच का पता था तो फिर सवाल क्यों कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो ये हजरत उमर को दूसरा ताजुब हुआ कि अजीब बंदा है, सवाल भी कर रहे हैं और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया तो फिर कह रहे हैं हाँ जी आपने सच कहा, मतलब अगर तुझे पता था कि सच है तो फिर सवाल करने का क्या मकसद था। ताज्जुब पता चल गया आपको, फाजिब ना लहू यस अलहू व युसद्दिकुहू, हमने ताज्जुब किया कि सवाल भी कर रहे हैं और फिर तस्दीक भी कर रहे हैं कि आपने सच कहा। चलिए जी आज की हमारी आखिरी स्लाइड है, हदीस जिब्रील को मुकम्मल करते हैं। मजीद उनके जो सवालात थे ईमान के बारे में, एहसान के बारे में और क़यामत के बारे में और क़यामत की निशानियों के बारे में, यानी कुल 5 सवाल थे। पहला सवाल गुजर गया इस्लाम के बारे में, उसका जवाब भी गुजर गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के 5 अरकान जिक्र कर दिए। दूसरा सवाल सुनिए ईमान के बारे में, तीसरा एहसान के बारे में, चौथा क़यामत के बारे में और 5वां क़यामत की निशानियों के बारे में। जी तो चलिए हम इस आखिरी स्लाइड की किरात सुन लेते हैं। قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أمر دينكم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم। ये थे माशाल्लाह हाफिज़ सऊद बिन क़ारी असद इकबाल साहिब, माशाल्लाह जो बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में लहजे में हमें इबारत क़िरात और दर्स में मौजूद कुरान मजीद की आयात की बड़ी अच्छी तिलावत सुना रहे थे। बेटा अहसन अल्लाह इलैकुम व बारक अल्लाह फ़ीकुम। क़ाल उस शख्स ने कहा, वो जो आया था उसने कहा अख़बिरनी अनिल ईमान, मुझे ईमान के बारे में बतलाइए। क़ाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतुमीना बिल्लाही, देखिए 6 अरकान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, अंतुमीना बिल्लाही ये कि तू अल्लाह पर ईमान लाए, व मलाइकती ही और उसके फरिश्तों पर, व कुतुब ही और उसकी किताबों पर, व रसूल ही और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, व तुमीना बिल कदरी खैर ही व शर ही और तू कदर पर तकदीर पर ईमान लाए, खैर व शर मतलब अच्छा है या बुरी है अल्लाह की तरफ से है। और आप तकदीर की अहमियत जानिए कि तो मीना के अल्फाज तकदीर के साथ दोबारा दोहराएंगे, यानी 5 अरकान को ऐसे ही जिक्र किया गया और जब तकदीर का जिक्र आया तो मीना के अल्फाज दोबारा दोहराएगी। इस हदीस की शरह में उलमा ने कहा कि इससे पता चलता है तकदीर की किस कदर अहमियत है एक मोमिन की जिंदगी में और ईमान के अंदर तकदीर का कितना मुकाम व मरतबा है। काला हज़रत उमर या उस शख्स ने कहा, वो जो आया था सदकता आपने सच कहा। काला फिर कहा अखबिरनी अनिल एहसान, मुझे एहसान के बारे में बतलाइए। काला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतअबुदल्लाहा ये कि तू अल्लाह की इबादत करे, का अन्नका तराहू गोया कि तू उसको देख रहा है, फा इल्लम तकुन तराहू अगर तू उसे नहीं देख रहा, फा इन्नहू यराक तो ये यकीन पैदा कर कि वो तुझे देख रहा है। काला उस साहिल ने कहा, ये देखिए चौथा सवाल है, उस साहिल ने कहा अखबिरनी अनिसा मुझे कयामत के बारे में बतलाइए। और एक हदीस के अंदर ये अल्फाज है मतसा कयामत कब आएगी। काला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत जवाब है और ये जवाब अरबी में बतौर मुहावरा भी यूज होता है, बतौर एक जरबुल मसल के ये जवाब इस्तेमाल होता है अरबी जुबान के अंदर। सीखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते थे कि ये कौन है, ये जिब्रील अमीन है जो आकर सवाल कर रहे हैं ताकि सहाबाए किराम के इल्म में इजाफा हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के बारे में सवाल का जवाब क्या दिया,
जवाब दिया, मल मसूल अनहा भी अलम अमीन साइल, जिससे सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा इल्म नहीं रखता। जिससे सवाल किया जा रहा है यानी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाल करने वाले से यानी जिब्रील से ज्यादा इस चीज का इल्म नहीं रखता। जितना आपको इल्म है इतना मुझे इल्म है, और वो इल्म यही है कि इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, कुरान मजीद की आयत के मुताबिक के जो क़यामत का इल्म है, इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, उसका इल्म तो बस अल्लाह के पास है। क़यामत का इल्म तो अल्लाह के पास है। अल्लाह अकबर, कब आएगी? अल्लाह अकबर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत जवाब कि जिससे सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता इस सवाल का जवाब कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह अकबर। तो ये मुहावरा कहां पर बोला जाता है, मतलब आपसे जब कोई बंदा चीज पूछे तो ना आपको पता है ना उसको पता है, तो उसके जवाब में आप कहते हैं मल मसूल अनहा भी अलम अमीन साइल, जिससे सवाल किया जा रहा है वो भी सवाल करने वाले की तरह उससे ज्यादा जानने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। काला, अगला सवाल, आखिरी पांचवा सवाल, काला उस शख्स ने कहा, फअखबिरनी अन अमारातिहा, जरा क़यामत की कुछ निशानियां तो बतला दीजिए। काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तलिदल अमतु रब्बतहा, क़यामत की दो निशानियां बयान फरमाई। पहली, अन तलिदल अमतु रब्बतहा, ये कि लोंडी अपने आका को जन्म देगी। इसकी कई एक तशरीहात की गई, जो सबसे बेहतरीन तशरीह इसकी की गई या ज्यादा उलमा की तरफ से वो यही है कि औलाद अपने वालदेन पर ऐसे हुक्म चलाएंगे जैसे कोई मालिक अपने गुलाम पर हुक्म चलाता है। तो ये मतलब है कि एक गुलाम औरत अपने आका अपने मालिक को जन्म देगी। अल्लाह अकबर। वालदेन की नाफरमानी आम हो जाएगी कयामत से पहले, ये कयामत की निशानी है। दूसरी निशानी, वह अन तरल हुफात, और ये कि तू देखेगा नंगे पांव वालों को, अल उराता नंगे जिस्म वालों को, अल आलता फुकरा को, रिया अशाई जो बकरियां चलाने वाले हैं, यानी ये जो नंगे जिस्म के नंगे पांव के बतौर ऐब के नहीं है, बतौर फकर के है, गरीबी के, वो इतने गरीब हैं कि उनके पास तन पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे यतत्वावलूना फिल बुनियान, इमारतों में एक दूसरे से बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, इमारतों में सबकत ले जाएंगे। मतलब ये कहेगा कि मेरी इमारत सबसे बड़ी, वो कहेगा मेरी इमारत सबसे बड़ी। तो ये भी ऐसी बकरियां चराने वाले लोगों का बुलंद इमारतें बनाना और इमारतों में सबकते ले जाना, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। काला, हजरत उमर कहते हैं, फमदा, वो चला गया, सवाल करने के बाद चला गया। फलबिथना मलियन, हम कुछ मुद्दत ठहरे। फ़काल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उमर, ए उमर, अतद्रून मन साइल, क्या जानते हो कि सवाल करने वाला कौन था? कुलना, हमने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा जानते हैं कि सवाल करने वाला कौन था। यानी इस वक्त तक सहाबा किराम को नहीं पता था, उसके जाने के बाद भी, कि ये कौन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौल हाज़ा जिब्रील, ये जिब्रीली अमीन थे, अताकुम, जो तुम्हारे पास आए थे, युअल्लिमुकुम, सिखा रहे थे तुम्हें, अम्र दीनिकुम, तुम्हारे दीन का मामला, ये तो तुम्हें तुम्हारे दीन की बातें सिखाने आए थे, जिब्रीली अमीन थे ये। अल्लाह अकबर। ये हदीस उलमाए किराम ने, यानी ये इतनी खूबसूरत हदीस है, इस एक हदीस की शरह में पूरी पूरी किताबों को भी लिखा गया, उर्दू में भी, अरबी में भी, इंग्लिश में भी, पूरी पूरी किताबों को लिखा गया इस एक हदीस की शरह में, क्योंकि ये इतनी जामे हदीस है। बाज़ उलमा ने यह कहा कि इस हदीस के अंदर पूरे दीन को जमा कर दिया गया है। देखिए, इस्लाम, उसके पांच अरकान, ईमान, उसके छः अरकान, एहसान, यानी इन तीनों दराजात को जमा कर दिया गया। उसके बाद क़यामत, आखरत के दिन को, क़यामत की निशानियाँ, हुकूकुल इबाद, अल्लाह के बंदों के हकूक़, की सारी चीज़ों को जमा कर दिया गया। तो इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन के इन पांच सवालों को क्या करार दिया? ए उमर, ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो पता चला हमारा दीन इसका नाम है, जो आज के लेक्चर में हमने सुना अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम के बारे में सुना, ईमान के बारे में सुना, एहसान के बारे में सुना,
और क़यामत और उसकी निशानियों के बारे में सुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना अल्लाह उस पर मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता करे, और अगर कोई भी बात ज़ुबान से ऐसी निकली हो जो दुरुस्त ना हो तो वो यकीनन मुझ तालिबे इल्म की कम इल्मी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे दरगुजर फरमाए, उस पर हमारा मुआख़ज़ा ना करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين।